Dear students, in our last session, we have studied about business services. Today, in business services, we have studied about banking services. And today, we are going to see insurance services. What is insurance? And what are the services provided through insurance? We are going to check it out today. We are going to learn and we are going to understand about that. Okay? I will see what insurance services are. उसके लिए दो चीज़ आपको सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पूरे पूरे इस टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट दो वर्ड्स हैं जो आपको सीखना है और समझना है. सबसे पहले है इंश्योरर और दूसरा होता है इंश्योर्ड. इंश्योरर किसे कहते हैं और इंश्योर किसे कहते हैं? अक्सर बच्चों से पूछा जाता है, क्लास में अक्सर पूछा जाता है बच्चों से, बताइए इंश्योरर किसे कहते हैं, इंश्योर किसे कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आज मैंने एक्सप्लेन किया, आपके साथ पूछता हूँ तो दो चार बच्चे ऐसे निकल जाते हैं जो ब्लैंक रहते हैं, पता नहीं चलता है. प्लीज ध्यान से सुनिएगा. इंश्योरर क्या होता है? इंश्योरर एग्रीज टू कंपनसेट लॉस. इंश्योरर क्या होता है? वो कंपनी जो ये कहती है कि ओके हम आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे, वो फर्म जो ये कहते हैं कि हम आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे, यानी कि एक कंपनी है. इंश्योरर से कहते हैं कंपनी को कहते हैं इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है, जो रेडी है कि आपको जो भी आपका नुकसान होगा उसको बियर करने के, उसको आपको सहयोग करने के लिए कंपनी तैयार है, उसको बोलते हैं हम इंश्योरर. इंश्योरर क्या है? एक फॉर्म है, एक कंपनी है जो कि आपको कंपनसेशन ऑफ लॉस देगा. ओके, जो आप जो एक जो आपको नुकसान होगा उसकी भरपाई करने के लिए तैयार है, या फिर वो आपको पैसे देगा जो आपका नुकसान हुआ है, उसको बोलते हैं इंश्योरर. और इंश्योर किसे कहते हैं? वो गेट कंपनसेशन ऑफ लॉस, जिससे पैसे मिलते हैं नुकसान का. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी कंपनी है और मैंने इंश्योरेंस करवाया हुआ है और मुझे नुकसान हुआ है, तो अगर मुझे पैसे मिल रहे हैं तो मैं क्या हूँ? इंश्योर्ड हूँ. मैं क्या हूँ? इंश्योर्ड हूँ. यानी वो इंश्योर किसके अंदर? वो गेट्स कंपनसेशन और लॉस, जिसे पैसे मिलते हैं कंपनसेशन का, जिसे तो पैसे मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? हम इंश्योर कहते हैं. तो याद रखिएगा जब हम बात कर रहे हैं इंश्योरर और इंश्योर की, तो एनी फॉर्म और इंडिविजुअल, कोई भी फॉर्म या कोई भी इंडिविजुअल, दोनों हो सकता है. इंश्योरर भी हो सकता है और इंश्योर भी हो सकता है, वो आप ध्यान रखिएगा. ठीक है, तो यानी कि मैं एक बार और शॉर्ट बताऊंगा आपको. इंश्योर कौन है? कंपनी इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है, इंश्योरेंस दे रही है. इंश्योर कौन है? जो कंपनसेशन ले रहा है, यानी मुझे इंश्योरेंस चाहिए, मैं क्या हो गया? इंश्योर हो गया, इंश्योरेंस चाहिए. ओके, और जो इंश्योरेंस दे, जो इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है वो क्या हो गया? इंश्योरर हो गया. ओके, आप समझ गए होंगे. हैपनिंग ऑफ द इवेंट, हैपनिंग ऑफ द इवेंट क्या होता है? जब भी इंश्योरेंस जो लॉस हुआ है, जिस टर्म्स एंड कंडीशन पे लॉस हुआ है, सिर्फ उसी का पैसा मिलता है, वो होता है हैपनिंग ऑफ द इवेंट. फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी है और आपने फायर इंश्योरेंस करवा रखा है, और आपकी कंपनी में आग लग जाती है, तो आपको आग लगी है और आपको फायर इंश्योरेंस करवा रखा है, तो जितना नुकसान हुआ है इंश्योरेंस कंपनी आपको उतना पैसा देगी. ओके, दूसरी बात, लेकिन अगर आपने फायर इंश्योरेंस करवा रखा है और मालूम चलता है कि बाढ़ आ गया है और भूकंप के द्वारा, या फिर भूकंप आ गया उसके द्वारा कंपनी को नुकसान हुआ, तो इंश्योरेंस कंपनी उसमें पैसा नहीं देगी. क्यों? क्योंकि उस इंश्योरेंस कंपनी में आपने फायर इंश्योरेंस करवाया है, कोई आपने पैमाइन या कोई फ्लड का इंश्योरेंस नहीं करवाया, या कोई अर्थक्वेक आया भूकंप के लिए कोई इंश्योरेंस वहां पे नहीं करवाया. दैट इज हैपनिंग ऑफ द इवेंट. जो इंश्योरेंस करवाया है उसकी सब्जेक्ट मैटर पे आपको पैसे मिलेंगे. नेक्स्ट प्रीमियम. प्रीमियम क्या होता है? इंश्योरेंस के लिए अमाउंट आपको देना पड़ता है इंश्योरेंस करवाने के लिए. वो क्वार्टरली बेस पे हो सकता है, वो हाफ ईयरली बेस पे हो सकता है, या फिर वो एनुअल बेस पे हो सकता है. वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्वार्टरली पे कर रहे हो उस प्रीमियम अमाउंट को, या फिर आप हाफ ईयरली कर रहे हो, या फिर आप एनुअली कर रहे हो. ओके, एक स्मॉल अमाउंट जो भी होता है इंश्योरेंस का, वो आपको पे करना पड़ता है, उसी को हम कहते हैं प्रीमियम. ये बेसिक टर्म्स जो है इंश्योरेंस के, मुझे तो आपको क्लियर हो गया होगा. अगर नहीं क्लियर हुआ है आप वीडियो से दोबारा से देखिए, समझिए. इस चीज को सीखने के बाद अब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा. ओके, अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस. टेस्ट में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन इस चैप्टर का, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस. ये सारे साल जो आगे लिखा हुआ है सब प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस है, और टेस्ट में आप इस पर पूछा जाता है और डेफिनेटली पूछा जाएगा. ओके, तो आप प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस ध्यान से पढ़िए. सबसे पहला प्रिंसिपल है जो प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ. पहला प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ. ये कह सकते हैं इस प्रिंसिपल के थ्रू क्या होता है, यानी अगर कोई इंश्योरेंस करवा रहा है तो दोनों के बीच में, किसके बीच में?
इंश्योर और इंश्योर के लिए क्या होना चाहिए, गुड फेथ होना चाहिए, अच्छा विश्वास होना चाहिए। अच्छा विश्वास का मतलब क्या होता है, देखिए आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन फेथ, क्योंकि ये फेथ पे ही कॉन्ट्रैक्ट था, विश्वास पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और कैसा विश्वास था वो आगे देखिए, मस्ट डिस्क्लोज ऑल रेलेवेंट फैक्ट, यानी कि जो इंश्योरर है, जो इंश्योर्ड है, यानी कि अगर मैं इंश्योरेंस करवा रहा हूँ तो मुझे सारे के सारे मेटेरियल फैक्ट बताने पड़ेंगे, यानी सारी सच्चाई बतानी पड़ेगी कि भाई मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी के इतना मेरा कैपिटल है, इतनी मेरी मशीनरीज हैं, इतने वर्कर्स काम करते हैं, और मैं फायर इंश्योरेंस करवाना चाहता हूँ, ओके, या फिर मैं लेबर इंश्योरेंस करवाना चाहता हूँ, तो मुझे बताना पड़ेगा, ओके। तो ये होता गुड फेथ। अगर मान लीजिए आपने बोला कि मेरे पास 50 मशीन है, उसको मैं इंश्योरेंस करवाने जा रहा हूँ, और आपने इंश्योरेंस करवा दी, लेकिन जब जब वो लोग आए और मालूम चला कि आपकी कंपनी 50 मशीन है ही नहीं, 30% 30% 30 मशीन है, ओके, और जब फायर आग लग जाती है, आग लगने के बाद वो आए और चेक किया कि आपने 50 मशीन का इंश्योरेंस करवाया और आपकी कंपनी से 30 मशीन है, तो आपको पैसे कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप पहला प्रिंसिपल ब्रेक कर गए, यानी गुड फेथ, यानी कि प्रिंसिपल एडवर्स गुड फेथ को आपने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। आपने गलत इन्फॉर्मेशन दिया, आपने मटेरियल जो फैक्ट था वो गलत बताया, इससे आपको कोई पेमेंट नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत ही ध्यान से आपका करना है, सारे जब आप इंश्योरेंस करवाएंगे तो सारा डिटेल प्रॉपर तरीके से आपको इंश्योरेंस कंपनी को बताना है। ये आपको पहला प्रिंसिपल। आइए हम मूव करते नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ, वो है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। जब हम प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो ये क्या होता है, यानी कि जो इंश्योर मस्ट हैव इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर। इंश्योर कौन है, वो व्यक्ति जो इंश्योरेंस करवा रहा है, मुझे इंश्योरेंस चाहिए, मुझे इंश्योरेंस करवाना है अपनी कंपनी के, अपने लाइफ का, तो मैं क्या कहलाऊंगा, इंश्योर कहलाऊंगा, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। तो इंश्योर मस्ट हैव इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर। ये सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर मतलब क्या होता है, जिस चीज जो चीज का आपका इंश्योरेंस करवा रहा है सिर्फ उसी चीज का आप इंश्योरेंस करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मुझे अपनी बाइक का इंश्योरेंस करवाना है, ओके, तो मैं अपनी बाइक का इंश्योरेंस करवाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैंने अपनी मैं कार का इंश्योरेंस करवा दिया और मान लो मेरे पास कार है ही, तो ऐसा नहीं होगा कि आखिर आपके पास कार है, आपने अपनी कार का इंश्योरेंस करवा दिया आपने, ठीक है, और आप जो आपके पास नहीं है उसका आपने इंश्योरेंस करवा, जो आपके पास है उसका इंश्योरेंस आपने नहीं करवा, जो आपके पास नहीं है उसका इंश्योरेंस आपने करवा दिया। तो वही होता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब क्या है, कि जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से कंपनी, आप कौन सी कंपनी, स्टील की कंपनी है तो आप स्टील की मेटल का इंश्योरेंस करवाएंगे, ऐसा नहीं स्टील कंपनी है और आपने प्लास्टिक का इंश्योरेंस करवा दिया, नो। सब्जेक्ट मैटर से रिलेट करना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर से रिलेट करना चाहिए। और नेक्स्ट होता है इसमें, विदाउट इंटरेस्ट टेकिंग पॉलिसी एज गैंबल एंड फ्रॉडुलेंट केस। अगर आपने बिना सब्जेक्ट मैटर के, बिना इंटरेस्ट अगर आपने इंश्योरेंस करवाया तो वो क्या गिना जाएगा, फ्रॉडुलेंट, यानी कि वो आपने चीटिंग किया है, आपने फ्रॉड काम किया, आपने गैम्बलिंग का काम किया है, और उसके लिए आपको पनिश किया जा सकता है, ओके। तो पनिश किस तरह से आपका केस भी हो सकता है, ओके। तो फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए लाइफ इंश्योरेंस का एग्जांपल है, आपको बुक में दिया हुआ है, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ ओन चाइल्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इंश्योरेंस करवाना है तो मैं अपने बच्चे का इंश्योरेंस करवाऊंगा, या फिर ऐसे स्ट्रेंजर नहीं करवाऊंगा जिसको मैं जानता ही नहीं हूँ, उसका मैं इंश्योरेंस नहीं करवाऊंगा। तो मेरा सब्जेक्ट मैटर, इसमें मेरा सब्जेक्ट मैटर क्या है, मेरे बच्चे हैं और मुझे अपने बच्चे का इंश्योरेंस करवाना है, किसी बाहर का नहीं, ओके, दैट इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तीसरा है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडिग्निटी। जब प्रिंसिपल ऑफ इंडिग्निटी क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और बार बार यूज होने वाला वर्ड है इंडिग्निटी। इंडिग्निटी का इसलिए मैंने यहाँ पे मीनिंग भी आपके लिए दिया है, इंडिग्निटी मीन्स ब्रिंग बैक टू सेम पोजिशन, यानी कि जितना आपका नुकसान हुआ है उतना आपको भरपाई करना, आपको उस फाइनेंशियल पोजिशन पे लेकर वापस आना जितना आपका लॉस हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आपका 1,00,000 का नुकसान हुआ है, इंश्योरेंस आपने इंश्योरेंस पर आप प्रीमियम पे कर रहे हैं और इंश्योरेंस कंपनी ने आपको 1,00,000 रुपये वापस कर दिया, यानी कि आपको नुकसान हुआ उसमें, नहीं, 1,00,000 का नुकसान हुआ था, 1,00,000 का उसमें आपको गुड्स वापस, 1,00,000 रुपये उसने आपको वापस कर दिया, ओके। तो दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिग्निटी, इट ब्रिंग बैक टू सेम पोजिशन, आपके दिमाग में फिट कर लीजिएगा, ब्रिंग बैक टू सेम पोजिशन। जब हम बात करते हैं इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंश्योरेंस कभी भी प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं होता। ये मत सोचिएगा कि आप, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होगा कि हम इंश्योरेंस करवाएंगे और प्रॉफिट अर्न करेंगे, नो, इंश्योरेंस कभी भी प्रॉफिट के लिए नहीं होता है, उसमें आप कोई प्रॉफिट नहीं कमाओगे। बस इसलिए होता है कि अगर फ्यूचर में कोई आपको लॉस
आपको मिल गया, आपको भरपाई हो गई, यानी कि आप अपने पोजीशन पे वापस आ गए जो आपका लॉस हुआ था। ओके, ब्रिंग बैक टू सेम फाइनेंशियल पोजीशन, उसे कहते हैं इंडेमनिटी। इंडेमनिटी एक और एग्जांपल इसमें आता है। मान लीजिए आपने 2 लाख का इंश्योरेंस करवाया अपनी कंपनी में, अपने गुड्स का, क्योंकि आप गुड्स बनाते हैं, कोई भी कंपनी आप गुड्स बनाते हैं, अपने गुड्स का 2 लाख का आपने इंश्योरेंस करवाया और वो भी फायर इंश्योरेंस करवाया। अचानक से क्या हो गया, अचानक से आपका फायर इंश्योरेंस हो गया, और फायर इंश्योरेंस होने के बाद अचानक से क्या हो गया, सामान जल गया और 1 लाख का आपको नुकसान हुआ। तो क्या होगा, 1 लाख नुकसान होगा, आपने करवाया कितने का था इंश्योरेंस, 2 लाख का, सामान का कितना नुकसान हुआ, 1 लाख का। तो इंश्योरेंस कंपनी कितना देगी आपको, 2 लाख देगी कि 1 लाख रुपए देगी, नो, इंश्योरेंस कंपनी आपको 1 लाख रुपए देगी। क्यों, कि आपका 1 लाख का नुकसान हुआ है। तो इससे मतलब प्रिंसिपल इंडेमनिटी, जितना नुकसान हुआ उतना आपको मिलेगा। लास्ट में आपके प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, आप अ पर्सन कैन गेट मोर देन वन इंश्योरेंस इन सेम सब्जेक्ट मैटर। एक एक पर्सन क्या कर सकता है, एक ही इंश्योरेंस कंपनी से 2 या 3 इंश्योरेंस करवा सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम सब्जेक्ट मैटर, फॉर एग्जांपल अगर आपकी कंपनी है, आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसका आपने आपके पास 3 इंश्योरेंस कंपनी से आपको कॉन्टेक्ट है और तीनों इंश्योरेंस कंपनी से आपने इंश्योरेंस करवा लिया है, आप तीनों कंपनी में प्रीमियम पे कर रहे हैं। लेकिन आपको समझना जरूरी है कि अगर अगर फायर से नुकसान होता है, आपने फायर इंश्योरेंस करवाया और फायर इंश्योरेंस से आपका नुकसान हुआ, तो आपने 3 कंपनी में क्या किया था, इंश्योरेंस करवाया था। तो ऐसा नहीं होगा कि आप तीनों कंपनी में जाएंगे अलग अलग तरीके से और बोलेंगे मेरा नुकसान हो गया है, आप हमको 1 लाख रुपए दीजिए, आप हमको 1 लाख रुपए दीजिए, आप हमको 1 लाख रुपए दीजिए, नो, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। यानी कि जो तीनों कंपनी साथ में मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं वो चेक करके कि कितने का इंश्योरेंस है और तीनों कंपनी डिवाइड कर कर जितना नुकसान हुआ है रेशियो में आपको आपका जो आपका नुकसान हुआ है उसको आपको वापस करेंगे रेशियो में। तीनों कंपनी साथ में, अगर आपका 1 लाख, अगर आपका मान लीजिए आपका 1,20,000 नुकसान हुआ है, तो तीनों कंपनी आपको 40,000 रुपए देगी। ओके, ऐसा नहीं कि आप एक कंपनी में जाएंगे और हर एक कंपनी से आपको 1,20,000 रुपए देंगे, नो। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको पता है इंश्योरेंस आप सिर्फ और सिर्फ इसलिए करते हो अपने नुकसान की भरपाई करके, प्रॉफिट मॉडल से नहीं होता है। ओके,